आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जो आप कम तेल में इसे बना सकते हो और खा सकते हो और अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। कभी कभी होता है कि हमारा सब्जी रोटी बनाने का मन नहीं करता है, तो हम इस तरह से नाश्ता बना के तैयार कर लेते हैं बिना सब्जी रोटी बनाए हुए। खाने में स्वादिष्ट है, गेहूं के आटे से बना है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर ये हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना ये हमारे नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला INDE चैप में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता कम तेलों से। जब भी आपका रोटी सब्जी बनाने के नाम मन करे तो आप झटपट इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक बर्तन ले लिया है फ्रेंड्स, और एक लेंगे छन्नी, और जो हम नाश्ता बनाएंगे वो भी आटे से बनाएंगे। तो आटे का नाश्ता तो ऐसे ही हेल्दी होता है। ये हम एक कटोरी आटा लिए हैं, एक कटोरी आटा और ले लेंगे। तो फ्रेंड, जब भी आटा लेना है तो आटे को इस तरह से छान के लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन सके। तो इसी तरह से हम आटे को छान लेंगे। हमने एक कटोरी डाल के छाना है तो एक कटोरी और डाल के इसके अंदर छान लेंगे। तो इसी तरह से छान लेते हैं आटे को। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे आटा को हमने छान के तैयार कर लिया है। गेहूं के आटे में अब हम डालेंगे, ये हमने ग्रेट किया हुआ टमाटर लिया है 5। अब इसे डाल लेंगे गेहूं के आटे में। फ्रेंड, आप कट करके भी ले सकते हो, टमाटर बारीक कट करके ही लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ ये 2 प्याज, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया। फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार ले सकते हो बारीक कट करके। ये हमने लिया है हरा धनिया, डाल लेंगे धनिया को। और ये हमने कुटी हुई लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है, और 4 बड़े साइज में हमने ये आलू लिया है। आलू को हम अच्छे से ग्रेट करके लिए हैं। आलू हमारा जो है उबला हुआ है फ्रेंड, ग्रेट करके ही लेना है। 1/2 टेबल स्पून जब डालेंगे जीरा, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा डालेंगे मसाला यानी 1/2 टेबल स्पून मसाला है ये, पाउडर 4 चुटकी, दरदरा कूटा हुआ एक काली मिर्च है फ्रेंड्स, दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च से इसका टेस्ट बहुत ही ये बढ़िया आता है। हाथों से क्रैक्स करके 1 टेबल स्पून हम डालेंगे अजवाइन, इस तरह से क्रैक्स करना है हाथों से। अब इसके अंदर डाल लेंगे, इससे इसका फ्लेवर्स जो है नाश्ते का ना बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो जीरा अजवाइन डालना ना भूलना, आप इसे बहुत कम मसालों में भी बना सकते हो। और इसके अंदर डाल देंगे 3 पिंच हींग। हींग डालने से गैस एसिडिटी नहीं बनेगा फ्रेंड्स, तो हींग अजवाइन जरूर डालें, अजवाइन हींग डालना ना भूलना। अभी क्या करना है इसके अंदर है, टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक। नमक को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। कटोरी से हमने आटा लिया था, उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। तो पानी को इकट्ठा नहीं डालना है, इसी तरह से फ्रेंड्स घोल बना के तैयार करना है। तो लगातार इसी तरह से मिलाते हुए इसे हम मिला लेंगे। 2 कटोरी हमारा गेहूं का आटा था फ्रेंड, तो हमने 3 और 1/2 कटोरी इस्तेमाल किया है पानी का। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपका बिल्कुल नाश्ता परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो हमारा 2 कटोरी आटा था, जिस कटोरी से उसी कटोरी से हमने पानी का इस्तेमाल किया है। तो हमें इतना ही गाढ़ा पेस्ट को रखना है, अब इससे ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, एक चढ़ा लिया हमने चूल्हे पे तवा और गैस को जला लिए हैं। इसके ऊपर एक हम लगाएंगे तेल ब्रश से और तवा को अच्छा सा गरम कर लेंगे। एक कलछल हम बैटर उठाएंगे जो हमने आटे से बना के तैयार किया है, अब तवा के ऊपर डालेंगे। तवा के ऊपर डाल के और गोल आकार में इसे हम फैला लेंगे।
इस तरह से डाल के फ्रेंड्स गोल आकार में फैला लेना है। फ्रेंड देख पा रहे होंगे, इसे हमने सूख जाने के बाद ऊपर का हिस्सा इसके ऊपर इस तरह से तेल लगा लेना है। फिर इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से हमने लिया है, चारों तरफ से इसके किनारे छुड़ा लेंगे और इसे इस तरह से पलट लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। देख पा रहे होंगे हमने अलटते पलटते चारों तरफ इस तरह से सेक लिया है। इसी तरह से दबाते हुए चारों तरफ से हमें सेक लेना है। बाकी के बचे हुए जितने हमारे पास है इसी तरह से हम बना लेंगे। इसे हम एक ऐसे उतार लेते तो हमने दो बना के तैयार कर लिया है। बाकी के बचे हुए हम इसी तरह से डाल के गोल गोल फैलाते हुए इसी तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड देख पा रहे बहुत ही आसान है बनाना इसे। तो फ्रेंड बहुत ही ये सॉफ्ट ही हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप इसे चटनी के साथ खाओ या सॉस के साथ खाओ या बिना चटनी और सॉस के साथ भी इसे खा सकते हो। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, साथ में चटपटा भी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से नाश्ता बना के बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हो। फ्रेंड्स बहुत ही ये टेस्टी नाश्ता है, साथ में हेल्दी भी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर हमारा नाश्ता की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।